हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम दर्पण प्रोजेक्ट की बात करेंगे। दर्पण प्रोजेक्ट क्या है? दर्पण प्रोजेक्ट इज डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। बेसिकली जो पोस्ट ऑफिसेज हैं इंडिया में, दे हैव अ ह्यूज नेटवर्क। काफ़ी ज़्यादा पोस्ट ऑफिसेज हैं, पैन इंडिया प्रेजेंस है, और जो 90% ऑफ द पोस्ट ऑफिसेज हैं वो रूरल इंडिया में हैं, राइट। तो अगर हम इनकी डिजिटल एडवांसमेंट कर दें, सो द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज विच इज़ प्रोवाइडेड बाय देम कैन बी इम्प्रूव्ड, ठीक है। और जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम उसमें और वैल्यू ऐड कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ के वाया दीज रूरल पोस्ट ऑफिसेज की डिजिटल एडवांसमेंट, वी कैन अचीव फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द अनबैंक्ड रूरल पॉपुलेशन, ठीक है। जहाँ पे बैंक्स नहीं हैं जिन रूरल एरियाज में, बट पोस्ट ऑफिसेज हैं, वहाँ पे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कर सकते हैं। और जो बैंकिंग फैसिलिटीज हैं, दे कैन बी प्रोवाइडेड बाय द रूरल पोस्ट ऑफिसेज एंड इन अ बेटर वे, ठीक है, अगर हम उनको डिजिटली उनको एम्पावर कर दें। तो देखते हैं जो बेसिकली अभी क्या है, ये आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है। इसमें मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं हम आईटी की, एंड इट हैज़ एन आउटले ऑफ 1400 करोड़। अगेन देखिए, बहुत सारी स्कीम्स है, हर एक का आउटले याद करना इज़ नॉट पॉसिबल। बस आप थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए कि कितने कितने हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी स्कीम्स हैं, जो एक तरह से आप ले लीजिए फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, और उनमें बजट में कितना आउटले है वो आप थोड़ा सा यू कैन हैव अ लुक। बट रिमेंबरिंग ईच एंड एवरी इज एवरी आउटले ऑफ ईच एंड एवरी स्कीम इज जस्ट नॉट पॉसिबल, राइट। सो इट इज़ एन आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, और ये क्या कर रहे हैं, लो पावर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस वुड बी प्रोवाइडेड टू ईच ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है। तो लो पावर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, एंड दैट विल इनेबल ईच ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 1.29 लाख ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस टू इम्प्रूव देयर सर्विस डिलीवरी, राइट। और अगर हम देखें जो मिनिस्ट्रीज को इम्प्लीमेंट कर रही है, वो कौन सी मिनिस्ट्री है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी कन्फ्यूजन हो सकता है। सो दर्पण प्रोजेक्ट इज़ बेसिकली इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। अब अगर हम थोड़ा देखें पोस्ट ऑफिसेस के बारे में, सी फॉर मोर देन 150 ईयर्स डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स दे हैव बीन द बैकबोन ऑफ द कंट्रीज कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके अलावा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी उन्होंने रोल प्ले किया है। देखिए, फ्रॉम डिलीवरिंग मेल्स टू एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स इन द स्मॉल सेविंग स्कीम्स, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। सो ऑल ऑफ दीज जो एक्टिविटीज़ हैं, दे हैव बीन अंडरटेकन बाय द आप ले लीजिए पोस्ट ऑफिसेस, ठीक है। तो उनका काफ़ी ज़्यादा रोल है, इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं, ठीक है, उनकी भी वेज, फॉर एग्जांपल जो एमजी नरेगा है, उसकी वेज डिस्पर्समेंट में, ठीक है, और ओल्ड एज पेंशन पेमेंट्स में, इनमें भी हेल्प करते हैं। सो दे आर द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड, बिकॉज वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज, और उसमें भी जो 90% है वो रूरल इंडिया में है। सो काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है इनकी। सो अब जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, दैट इज फेसिंग चैलेंजेस। कैसे? कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, स्पेशली मोबाइल टेलीफोनी एंड इंटरनेट। सो अब इनको जो ये पोस्ट ऑफिसेज है, दे नीड टू बी एडवांस्ड एज वेल, है ना, दे हैव टू मूव ऑन विद द टाइम्स। तो इसीलिए इनकी भी जो आईटी मॉडर्नाइजेशन है, दैट इज बीइंग कैरिड आउट अंडर दिस प्रोजेक्ट। अब अगर इनको कस्टमर सर्विस बेस्ट इन क्लास प्रोवाइड करनी है, नई सर्विसेज देनी है लोगों को, और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज इंप्रूव करनी है, सो दे हैव टू अंडरगो दिस आईटी मॉडर्नाइजेशन ड्राइव, राइट। तो इससे क्या होगा, इससे दो फायदे होंगे। एक तो जो इंडियन पॉपुलेशन है, और वाइडर रीच बनेगी, ठीक है, कस्टमर इंटरेक्शन के चैनल्स बढ़ेंगे, और जो कस्टमर को सर्विसेज मिल रही हैं वो भी बेटर मिलेंगी, जल्दी मिलेंगी, राइट। अगर हम फीचर्स की बात करें, बेसिकली इट विल हेल्प टू इंक्रीज द रूरल रीच ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। और जो ब्रांच जो हमारे पास ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज हैं, उनका उनमें जो फाइनेंशियल रेमिटेंसेज है, सेविंग्स अकाउंट है, एट्सेट्रा का ट्रैफिक बढ़ेगा। देखिए, अगर अगर आप देखें तो जैसे पहले क्या होता था, अब जैसे सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है ना, तो जो फोटोग्राफ्स है वो भी, पहले अकाउंट खोलना होता था तो जो कस्टमर है उसकी फोटोग्राफ लेके आनी होती थी उसको। अब क्या है, अब आपका ब्रांच में ही फोटोग्राफ खींची जाएगी। सो ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली हैव
यू नो एक तरह से स्ट्रीमलाइन हो गई हैं, सारी प्रोसेसेस इजी हो गई हैं फॉर द कस्टमर और जल्दी होगा इससे काम। तो ये सब हेल्प करेगा मेल ऑपरेशंस प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने में। ऑटोमेटेड बुकिंग होगी, ठीक है, डिलीवरी ऑफ अकाउंटेबल आर्टिकल जल्दी होगा और रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। सो ऑल दीज फीचर्स फॉर्म द पार्ट ऑफ द दर्पण प्रोजेक्ट। और उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये पोस्ट ऑफिसेस हैं दे विल बी एबल टू ऑफर द कोर बैंकिंग सर्विसेज इन द रूरल एरियाज जहाँ पे बैंक्स नहीं है। तो वहाँ पे जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ये प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, और अगर हम उसको डिजिटल आईटी मॉडर्नाइजेशन जो प्रोजेक्ट है वो भी अंडरटेक कर लेंगे, तो एक तरह से दे कैन ऑफर एज गुड एज सर्विसेज एज बाय द बैंक्स इन द अर्बन एरियाज, ठीक है, और उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सो इट विल एक्चुअली हेल्प them avail the following services like cash deposit and savings bank, recurring deposits, ठीक है, new account opening, mini statement, आधार seeding and daily transaction report, ठीक है, क्योंकि सब कुछ digital होगा, so ये वो provide कर सकते हैं। And then it can also be used for the reimbursement of social security benefits to the needy across the country, जैसे कि MG NREGA, old pension and DBT, so this can also be provided by the post offices only, ठीक है, so it will actually help attain financial inclusion of the rural population, right? उसके बाद अगर हम बात करें तो department of जो post है वो क्या कर रहा है, they have carried out business process re-engineering, ठीक है, across functional areas and has created 2B processes ताकि ये जो objectives है इनको वो avail कर सके, इनको achieve कर सके। अब department of post they have already established 991 ATMs, ठीक है, which are interoperable with other banks and then the common people they can directly benefit, right? through the wide network of the Department of Post, especially in rural areas, ठीक है, तो ये जो rural areas में already we have post offices infrastructure है, just that अगर हम उसको IT modernization carry out कर दे, so benefits जो है वो multiply हो जाएंगे many fold, ठीक है, so this is all about the Darpan project, thank you so much.